आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देशभर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ चुनाव नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में 18 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगी वोटिंग। हरियाणा के सभी सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग, नतीजे 4 अक्टूबर को। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जो है 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वो यहाँ 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। आखिरी बार 2014 में यहाँ पर चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तंत्र यहाँ पर 370 हटाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। इधर हरियाणा में 1 फेज में जो है 1 अक्टूबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों के नतीजे जो है 4 अक्टूबर को आएंगे। वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और त्योहारों से होने वाले यहाँ पर त्यौहार होने की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बाद में कराए जाएंगे। इससे पहले जो है 2019 में हरियाणा महाराष्ट्र की चुनाव जो एक साथ करवाए गए थे। वही नोटिफिकेशन 20 अगस्त को यहाँ पर पहले फेज के लिए और नॉमिनेशन 27 को और स्क्रूटिन 28 और नाम वापसी 30 अगस्त और वोटिंग जो है 1 सितंबर को। पहले फेज के लिए जो है जम्मू कश्मीर में ये होगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो है नोटिफिकेशन 5 सितंबर, नॉमिनेशन 12 सितंबर और स्क्रूटिन 13 सितंबर, नाम वापसी 16 सितंबर और वोटिंग जो है 1 अक्टूबर को होगी और रिजल्ट जो है वो 4 अक्टूबर को आएगा। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है ये बड़ी खबर सामने आई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर थोक महंगाई को लेकर बड़ी खबर देखिए। जुलाई में थोक महंगाई घटकर पहुंची है 2.04%। जुलाई में थोक महंगाई जो है उसके आंकड़े सामने आ चुके हैं। जुलाई में जो थोक महंगाई जो है वो 2.04% यहाँ पर रही थी, 2.4% रही। जुलाई में थोक महंगाई घटकर 2.04 पर आ गई है। वह जून में ये बढ़कर जो है 3.36% पर पहुँच गई थी, जो महंगाई का 16 महीने का सबसे ऊपर स्तर था। वही थोक महंगाई 2.21 पर थी। 2014 के जुलाई महीने में जो है थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए गए। इससे पहले जो है 12 अगस्त को रिटेल महंगाई के आंकड़े भी जारी किए गए थे। वही जुलाई यहां पर जुलाई महीने में रिटेल महंगाई घटकर जो है 3.54% पर आ गई। ये 59 महीनों का सबसे निचला स्तर है। अगस्त 2019 में महंगाई 3.21% थी। खाने पीने की चीज़ों के दाम घटने से यहाँ पर ये महंगाई घटी थी। तो महंगाई को लेकर, थोक महंगाई को लेकर जो है आंकड़े सामने आ चुके हैं और इसमें जो है यहाँ पर थोड़ी राहत वाली बात जरूर कह सकते हैं। थोड़ी राहत जरूर इससे यहाँ पर लोगों को जो है वो आने वाले दिनों में मिलेगी और आंकड़े जो है फिलहाल सुधार वाले ही नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर ये फिलहाल जो है निकल के सामने आ रही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी खबर देखिए। बैंक लॉकर को लेकर ये बड़ी खबर देखिए। बैंक लॉकर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, बदल जाएगा 9 महीने से जुड़ा ये नियम। फिलहाल लॉकर या फिर ज्वाइंट बैंक लॉकर के लिए जो है किसी को नॉमिन बनाया जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति को लोन ये यहाँ पर नॉमिन बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार जो है इसे बढ़ाकर 4 करने की तैयारी में है। वह नॉमिन वह व्यक्ति होता है जो अकाउंट होल्डर्स की मौत के बाद उसने रखा सामान अपने कब्जे में ले सकता है। फिलहाल बैंक लॉकर और ज्वाइंट बैंक लॉकर के लिए किसी भी एक व्यक्ति को नॉमिन बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 4 करने की तैयारी में है। नॉमिन वह व्यक्ति होता है जो अकाउंट होल्डर्स की मौत के बाद उसमें रखे सामान को अपने कब्जे में रखने को लेकर जो है उसमें कब्जे में ले सकता है। वही भारत का सबसे यहाँ पर मतलब अभी जो है सरकार इसके बारे में जो है यहाँ पर फैसला ले सकती है। दरअसल सरकार एक बिल लेकर आने वाली है। दरअसल बैंक लॉकर को लेकर जो है सरकार एक फैसला लेने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जुड़े बैंकिंग लॉ बिल 2024 पेश किया है। इस बिल में बैंक लॉकर के नॉमिन की संख्या को बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार नॉमिन की संख्या को बढ़ाकर 4 करने की तैयारी में है। नॉमिन वह व्यक्ति होता है जो अकाउंट होल्डर्स की मौत के बाद उसमें रखे सामान को अपने कब्जे में ले सकता है। वह बैंक लॉकर नॉमिन के नियमों के तहत कस्टमर 4 लोगों को 2 तरह से नॉमिन जो है बना सकता है। तो ये बैंक खाताधारकों के लिए जो है फिलहाल नॉमिन को लेकर जो है बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार जो है इसको लेकर जो है विचार कर रही है। तो बड़ी खबर फिलहाल ये निकल के सामने आ रही है बैंक यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए। बाद में बताते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस को ये लेकर ये बड़ी खबर देखिए। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए देने होंगे अब ज्यादा पैसे, 15% तब बढ़ जाएगा प्रीमियम। देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा प्रदाता कंपनी में शामिल हेल्थ स्टार जो है स्टार हेल्थ एंड
एलाइटेड जो सर्विस जो है उसने कहा है कि अपने 30 फीसदी पॉलिसियों के प्रीमियम दरों में 10-5% वृद्धि वो करेगी। वह कंपनी ने बताया कि कोविड के दौरान हुए और बड़े अस्पताल खर्चों में इसका जो है कमी नहीं आई है। नियामक एड़ा द्वारा मौजूदा बीमारियों की प्रतीक्षा अवधि को कम करने के बाद अब कंपनी के सामने जो है प्रीमियम दरों में वृद्धि के अलावा कोई भी चारा नहीं है। बताया आपको कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एड़ा, उसने पिछले दिनों के कुछ नियामकीय संशोधन जो है वो किए थे। इसमें मौजूदा बीमारियों की प्रतीक्षा अवधि को कम करना भी शामिल था। वही संसाधनों का इंश्योरेंस कंपनियों का पालन करने में यहाँ पर मतलब इस इन संसाधनों का इंश्योरेंस कंपनियों का पालन करने में जुटी है। इसका असर आपकी पॉलिसी के प्रीमियम पर भी देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि वेटिंग पीरियड 4 साल से घटाकर 3 साल करने और एड़ा के इस फैसले से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा। अब ये जो है आशंका जो है वो सही साबित हो गई है। दरअसल स्टार्ट हेल्थ के जो MD जो है उसने यहाँ पर एक विशेषज्ञ कॉल के दौरान बताया कि हमने पहले ही कुछ उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की योजना बनाई है। एक पॉलिसी की कीमत पहले ही बढ़ाई जा चुकी है जो कि 2 और उत्पाद अगले 1 महीने में लॉन्च हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मोटोरियम अवधि को कम करने और मौजूदा बीमारियों की प्रतीक्षा अवधि को 4 से 3 साल करने से संबंधित नियामक परिवर्तनों का दीर्घकालिक प्रभाव जो है मूल्य निर्धारण पर पड़ेगा। तो ये यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जो है बड़ी खबरें सामने आ रही है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है आगामी दिनों में बढ़ने वाला है। तो बड़ी खबर फिलहाल ये निकल के सामने आ रही है जिसमें जो है हेल्थ जो इन सब का प्रीमियम जो है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नया नियम जो है वो यहाँ पर कंपनियाँ जो है वो लागू करने वाली है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, महंगे हो गए हैं लोन। भारतीय स्टेट बैंक ने ब्याज दरों में किया है इजाफा। देश के सबसे बड़े ऋण प्रदाता भारतीय स्टेट बैंक ने सभी अवधियों के लिए जो है MCLR जो है उसमें 0.1% की वृद्धि कर दी है। इससे ज्यादातर उपभोक्ता ऋण महंगे हो गए हैं, यानी इस बैंक के जरिए लोन लेने वाले उपभोक्ताओं को पहले के से ज्यादा पैसे यहां पर देने होंगे। बता दें आपको कि बैंक ने लगातार 3rd बार ब्याज दरों में वृद्धि की है। SBI की वेबसाइट पर मौजूदा जानकारी के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के लिए एक मानक MCLR जो है 8.95% पर निर्धारित की गई है, जबकि पहले ये दर जो है 8.85% थी। MCLR का इस्तेमाल मोटर वाहन और व्यक्तिगत जैसे अधिकार अधिकतर जो है उपभोक्ता ऋण के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। MCLR 3 सालों के लिए जो है 9.10%, 2 सालों के लिए 9.05% होगा। इसके अलावा जो है 1 महीने और 3 महीने और 6 महीनों की अवधि के लिए ब्याज दर जो है 8.45% से लेकर 8.85% के दायरे में यहाँ पर रहेगी। बताया जा रहा है कि ओवरनाइट अवधि के लिए भी जो MCLR जो है इसमें यहाँ पर 10 बेसिस पॉइंट की जो है यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले 8.10% था, अब इसको 8.20% कर दिया गया है। नई दरें जो कल से लागू हो गई। ब्याज दरों में ये वृद्धि ऐसे समय में की गई जब कुछ दिन पहले जो है RBI ने जो है इस महीने की शुरुआत में 9वीं बार जो है नीतिगत दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया था। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि खबरें जो इसी तरह की आपको रोजाना सबसे पहले मिलती रहे।